हेलो सबको, राधे राधे। आज हम बनाते हैं बिना लहसुन के आज के भत्ती फली या ग्वार की या गुच्छे वाली फली। इसके लिए हमने फली को अच्छे से धो लिया है। तो अच्छे से धो के हमने कुकर में एक सीटी लगा के इसको बॉईल कर लिया है। फिर हम इसके सारे किनारे निकालेंगे। इस तरीके से इसमें सब निकल जाएंगे और इस तरीके से हो जाएगी। फिर इसके लिए हमने ली है हरी मिर्ची। इसको हम सिलबट्टे से पीसेंगे, मिक्सी में नहीं पीसेंगे, क्योंकि मिक्सी में एकदम बारीक हो जाती है मिर्ची, और हमको मिर्ची बारीक नहीं करनी है, थोड़ी सी मोटी ही रखनी है। इस तरीके से हम सिलबट्टे से पीसेंगे। मिर्ची हमारी पीस चुकी है और इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी सूखी मिर्चें लाल वाली भी पीसेंगे। ये मैंने बिना लहसुन प्याज के बनाई है, बिल्कुल सादा, जिसको कोई भी आराम से खा सकता है। ये हम 3 से 4 हर सूखी मिर्चें लेंगे, जिसको हम अच्छे से पीस लेंगे। और हमारे तड़के के लिए सब्जी हो गई तैयार। तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम डालते हैं जीरा और जो हमने फली उबाली थी, उबाल के उसको साफ़ करा था अच्छे से। इसमें हम डालते हैं नमक, नमक अपनी आवश्यकता अनुसार डालना। फिर इसमें हम जीरा डाल के इसका तड़का तैयार करते हैं। ये बहुत ही अच्छी सब्जी लगती है, इसको रोटी, पराठे, पूरी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। फिर इसमें डाली है हमने हींग, और फिर जो हमने चटनी पीसी थी सिलबट्टे पे, उसके बाद हम ये डालेंगे। इससे इसका बहुत ही अच्छा कलर आएगा। किसी मिर्ची हमें बिल्कुल भी नहीं डालनी है, इसमें सब हमें कुटा हुआ मसाला ही डालना है। फिर हम इसमें डालते हैं अपनी कुटी हुई हरी मिर्च, जो कि हमने सिलबट्टे से पीसी थी। फिर इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार। फिर हम इसमें गुच्छे वाली फली या ग्वार की फली इसमें हम डाल देंगे। इसको अच्छे से 2 से 4 मिनट इसको हम चलाएंगे। गैस का फ्लेम एकदम सिम होगा, आप इसको फटाफट तैयार कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी बनेगी। मेरी और रेसिपी के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मेरी नेक्स्ट रेसिपी भी आने वाली है, उसको आप जरूर देखिएगा। तरीके से हम इसको अच्छे से चलाएँगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। गैस का फ्लेम हमें कम ही रखना है, जिससे ये अच्छे से चटक जाए, तेल इसका एकदम साइड से किनारे से छूट जाए, तभी ये एकदम कंप्लीट होगी हमारी सब्ज़ी। इसमें हम एक स्पेशल तड़का लगाते हैं, जो है कि हींग, सूखी मिर्ची और साबुत मिर्चों का, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ज़्यादातर लोग इसको हल्दी मिर्च नमक के साथ भी बनाते हैं, बट मैंने इसको एकदम सिंपल बनाया है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सबको राधे।